नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग बुलेटिन की इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों के साथ। सांचौर में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों से 1 पिस्टल और कारतूस भी बरामद। ओसिया में रामनगर में सरकारी विद्यालय लंबे समय से है बंद, जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं कोई सुध। और श्री गंगानगर में भामाशाह स्वास्थ्य योजना की आड़ में जमकर कूटी जा रही है चांदी। पार्षद सलीम अली चौबदार ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और रियाबड़ी नागौर में ब्लैकमेल कांड में पीड़ित महिला की हुई मेडिकल जांच, आज होंगे पीड़िता के बयान। 11 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत से स्कूलों में आज भी शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। ऐसा ही एक मामला लूणकरणसर तहसील के खोड़ला गांव में स्थित सरकारी स्कूल में देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों से शिक्षकों को लगाने की मांग को लेकर गांव के लोग स्कूल के बाहर ताला लगाकर धरने पर बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि 10 दिन बीत जाने के बावजूद न तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनसे बात करना उचित समझा और न ही प्रशासनिक अधिकारियों ने। सिस्टम से परेशान हुए इन लोगों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा की मंत्री किरण माहेश्वरी की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और सरकार की अनदेखी पर अपना विरोध जताया। बालोद्रा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में एक विशाल आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन स्वर्गीय महेश शर्मा और स्वर्गीय पंकज शर्मा की पावन स्मृति में किया गया। संजय शर्मा और उनके समस्त मित्रगण द्वारा यह विशाल आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर 28 अगस्त को लगाया गया है। चिकित्सा शिविर में आधुनिक मशीनों द्वारा जांच और प्रख्यात चिकित्सकों द्वारा परामर्श निःशुल्क रहेगा। सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुँच कर मुफ्त सुविधा का लाभ उठाते हैं। संजय शर्मा पुत्र स्वर्गीय महेश शर्मा कल दिनांक 28 अगस्त मंगलवार को वनखंडी महादेव प्रांगण में एक विशाल आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा अपनी सेवा देंगे, जिसमें गठिया, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, दमा, लीवर, पथरी जेवा का आयुर्वेदिक प्रणाली से सफल इलाज किया जाएगा। ये जो चिकित्सा शिविर है किसके संदर्भ में लगाया जा रहा है? ये मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय महेश जी शर्मा और स्वर्गीय श्री पंकज शर्मा की पावन स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के थाना सदर के कोटला गांव के ग्रामीणों के साथ गुर्जर समुदाय के लोगों ने मुख्य मार्ग से निकलते हुए वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद जब ग्रामीणों ने मारपीट को लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की बात की तो आरोपी बैरवा समाज कॉलोनी में दबंगई से घुसे और उनके घर जाकर धमकियां दी, महिला और बच्चों के साथ मारपीट की और मुकदमा दर्ज नहीं कराने की धमकी दी। खुटला गांव के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे, जहां पूरा घटनाक्रम पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को सुनाया। और दोनों के गुहार सुनाने के बाद में जहां ग्रामीणों ने दोनों ही अधिकारियों को पसीजने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं कार्रवाई करने का आश्वासन भी अधिकारियों ने दिया। समय रहते अगर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ऐसे में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन के लिए समाज मजबूर होगा। राज्य सरकार जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में स्थापित विचारों में शिक्षकों की नियुक्ति कर बालक बालिकाओं को शिक्षित करने का कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ओसिया उपखंड के निकटवर्ती क्षेत्र रामनगर ग्राम पंचायत के बूढ़िया चिनियों की ढाणी में शिक्षकों के अभाव के चलते राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले काफी दिनों से बंद पड़े होने का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिससे शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख दी है। गौरतलब है कि इस संबंध में सोमवार को दोपहर 12 बजे सत्यमेव न्यूज की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इस पड़ताल में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस विद्यालय में विद्यार्थी तो मौके पर उपस्थित थे, मगर शिक्षकों का कोई अता पता नहीं था और कक्षा कक्ष के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। विद्यार्थी बाहर बरामदे में बैठकर शिक्षक का इंतजार कर रहे थे। जब हमारे संवाददाता जगदीश चापाणी ने विद्यार्थियों से शिक्षकों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो रोजाना समय पर आते हैं, परंतु शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत करवा दिया है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। विद्यालय में काफी समय से बंद होने से ग्रामीणों में और विद्यार्थियों में भारी रोष व्याप्त है। हमारे बूढ़िया चिनिया की ढाणी स्कूल में टीचर मतलब इस तई टाइम पे नहीं आता है। इस तई टीचर है वो तो मतलब 15 दिन पहले एक दिन आया, उसके बाद में वो छुट्टी पे है या हमको तो उसका पता नहीं है। और हमारे स्कूल में मतलब टीचर की कोई व्यवस्था कराओ।
इस खबर के लिए ज्यादा विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश चापाणी ओसियां से। जगदीश जी, क्या मामला है ये और क्यों शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं? मैडम निर्मला जी, आपको बताना चाहूंगा जी कि ओसियां उपखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर रामनगर ग्राम पंचायत में बूढ़ी और चिन्हियों की ढाणी राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अभाव में पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा है जी। विद्यालय के मुख्य द्वार पर और कक्षा कक्ष के दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं। इस विद्यालय में विद्यार्थी तो रोजाना समय पर आते हैं जी। जब इस संबंध में विद्यार्थियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों का कोई अता पता नहीं जी। जनप्रतिनिधि या अधिकारी इस बारे में क्या बयान दे रहे हैं? मैडम, इस बारे में जो शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है श्रवण कुमार नारवाल, उनसे बात की जी। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में कार्यरत जो शिक्षिका है रिंकू नाम, और वो मेडिकल अवकाश पर है जी। और उन्होंने पीओ से बात करने का कहकर पल्ला झाड़ लिया। तो क्या एक ही शिक्षिका है इस विद्यालय में? जी निर्मला जी, इस विद्यालय में एक ही शिक्षिका कार्यरत है जो मेडिकल अवकाश पर है, बाकी इस विद्यालय में अभी तक कोई शिक्षक नहीं है। और कुल कितने विद्यार्थी होंगे इस स्कूल में? इस विद्यालय में 25 विद्यार्थियों का नामांकन है। 25 विद्यार्थियों पे एक शिक्षिका है और 25 विद्यार्थियों के सब्स्टिट्यूट में और कोई दूसरा शिक्षक नहीं है, सिर्फ एक ही शिक्षक लगा हुआ है। इसमें जो शिक्षिका है वो मेडिकल अवकाश पर है, इसलिए नोडल है, जो उन्होंने एक जो ग्राम पंचायत सहायक है उनको वहाँ लगा रखा है, परंतु वो कभी कभी वहाँ आते हैं और कभी नहीं आते हैं, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। मतलब तो ये छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है जगदीश जी, और निश्चित रूप से नोडल अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को मिलकर इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। जी निर्मला जी, मैंने इस बारे में यहाँ के जो एसएमसी विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष हैं उनसे बात की और ग्रामीणों से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि शिक्षकों के अभाव में ये विद्यालय पिछले काफी समय से बंद पड़ा है, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है, और शिक्षकों के न होने से और अधिकारियों को शिक्षक उपलब्ध न कराने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। जी, स्वाभाविक है जगदीश जी, क्योंकि इस तरह से अगर स्कूल बंद रहेंगे तो कहीं और से अपेक्षित कहां से होगा कि बच्चों को कहां से शिक्षा मिल पाएगी? जब विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, चिकित्सक वहां पे विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए शिक्षक भी नहीं है, तो वो कहां से पढ़ेंगे और आगे उनका भविष्य पूरा अंधकार में होगा। जी निर्मला जी, शिक्षकों के अभाव में बच्चे वहां शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं विद्यालय में, परंतु वहां शिक्षक नहीं आने से बच्चों का जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि शिक्षा विभाग की जो पोल है वो सामने आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इस संबंध में निर्मला जी, मैंने प्रशासनिक अधिकारी है जो तहसीलदार आईदान पवार, उनको भी अवगत करवाया है जी, और उन्होंने जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी है उनको अवगत करवा के आगे कार्रवाई जारी है जी। आशा है कि आयदान जी और अन्य नोडल अधिकारी इस संबंध में कोई ना कोई जरूर एक्शन लेंगे, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित ना हो सके, उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो सके। हमारे साथ जुड़ने और हमें सारी जानकारी देने के लिए जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओसियां से जगदीश चापाणी, जो हमें बता रहे थे कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी आते हैं, इंतजार करते हैं और चले जाते हैं। अपेक्षित है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो भी यहाँ के अधिकारी हैं संबंधित, इसमें कदम उठाएं और वापस से विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें, ताकि विद्यार्थी कम से कम पढ़ाई तो कर सके। अगली खबर जो है हमारी सांचौर से आ रही है, जहाँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों के कब्जे से 1 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 3 बदमाश अपराध की फिराक में थे। सांकड़ पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर सांकड़ सरहद से मिले मांगीलाल निवासी कुकावास धनराज खारा हनुमाना राम कातरला को गिरफ्तार किया गया। वही एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। केरल में आई त्रासदी के लिए सहयोग के लिए भाजपा ने 2 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आगामी 2 दिनों तक हरेक भाजपा विधायक नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर त्रासदी के लिए पीड़ितों के लिए धन संग्रह करेंगे। इसी क्रम में भाजपा के झुंझुनू जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत ने सभी विधानसभा के भाजपा नेताओं और मंडल अध्यक्षों को एक एक
धन संग्रह पेटिका दी। आगामी दो दिनों तक इस पेटिका में सहायता राशि संग्रहित की जाएगी, जिसके लिए विधायक से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को सहयोग का आह्वान किया गया है। शेखावत ने बताया कि दो दिन बाद सातों पेटियों में संग्रहित की गई राशि को इकट्ठा कर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भिजवाया जाएगा, ताकि एक साथ भाजपा की ओर से सहायता राशि राजस्थान से केरल की ओर भिजवाई जा सके। इस मौके पर सभापति सुदेश अहलावत और मीडिया प्रमुख पुरुषोत्तम खाचपुरिया आदि मौजूद थे। के बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु भाजपा ने पूरे राज्य में बीड़ा उठाया है, और उसी के उपलक्ष्य में आज झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को, इस पूरे जिले के मंडल अध्यक्षों को और हमारे विधायकों को एक एक टारगेट दिया है कि ये राशि जमा करके हमें केरल के उत्पीड़ित लोगों के लिए भिजवानी है। भारतीय जनता पार्टी आमजन की पार्टी है, और जब जब देश में कोई पीड़ा या कोई इस तरह की त्रासदी कभी हुई है तो हमेशा आगे बढ़कर कार्य करती है, और इसी के समरूप आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में, केरल राज्य में जो बाढ़ आई है और जितनी त्रासदी हुई है उसमें सहयोग देने के लिए एक बीड़ा उठाया है, जिसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये दान पत्र जो हैं आज हमारे विधायकों को, मंडल अध्यक्षों को, जिलाध्यक्ष ने दिए हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और आमजन और व्यापारीगण जो है इसमें अच्छा से अच्छा सहयोग दें, और जितनी अधिक से अधिक राशि एकत्रित होगी वो आज और कल दो दिन में राशि एकत्रित करके कल शाम को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भेजी जाएगी, वहाँ से केरल के लिए सहयोग जाएगी। मैं समझता हूँ एक सामाजिक सरोकार का एक कार्य है, जिसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर कार्य करती है। शिक्षा निदेशालय में 2500 पद छोड़ने के विरोध को लेकर बीकानेर शिक्षा निदेशालय के मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया, और जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शिक्षा विभाग के सभी मंत्रालय कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल रहे। इससे पहले कर्मचारी निदेशालय से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, शिक्षा विभाग के विकेंद्रीकरण के नाम पर अभी हमारे लगभग 2500 पद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के काट दिए गए हैं। एक तरफ हम अपने पदों की बढ़ोतरी के लिए जहां संघर्षरत हैं, वहां इस तरह का कदम न केवल इस सरकार के लिए घातक होगा, डिपार्टमेंट के लिए तो घातक दिख ही रहा है। जहां आज हम जितने पूरे हिंदुस्तान में हमारे लोग टैक्स पेयर्स हैं, सरकारी कर्मचारी, हमारे ही टैक्स से आप और अन्य जन लुभावन योजनाओं को जरूर बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे हकों पर भी उतना ही डाका डाल रहे हैं, इसका खामियाजा इस सरकार को भोगना पड़ेगा। हमारा पर्सनल मांग जो है, शिक्षा विभाग में करीब 2500 पद काटे गए हैं, हम उन 2500 पदों को वापस रिस्टोर कराना, अगर सरकार नहीं करती है, ये आंदोलन का पहला चरण है, इसके बाद आम हड़ताल हमारा अंतिम चरण। राज्य सरकार द्वारा कृषि जींस की खरीद पर आढ़त व्यापारियों को नहीं मिलने पर धान मंडी के सैकड़ों व्यापारियों ने लालगढ़ जाटान धान मंडी को ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। संयुक्त व्यापार मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष राम नारायण बजाज ने कहा कि कच्चा आढ़ती व्यापारी संघ के व्यापारियों ने पिछले एक वर्ष से कृषि जींसों का आढ़त कमीशन नहीं मिल रहा है, जिससे व्यापारियों को होने वाली आमदनी रुक चुकी है। पिछले एक वर्ष से करोड़ों रुपए की आढ़त व्यापारियों को नहीं दी गई, जिसके लिए व्यापारी धान मंडी को ताला लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से सतनाम मांग हमारे संवाददाता। सतनाम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। सतनाम जी, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला है जो आढ़त संघ होता है, आढ़तियों को जो कमीशन मिलता है फसल बिक्री पे, फसल बिक्री के जो कमीशन का मामला है, क्योंकि लगभग पिछले एक वर्ष से जो आढ़ती है उनको कमीशन नहीं मिल रहा है, तो जो ऑनलाइन खरीद हुई है उसके बाद से आढ़तियों को कमीशन मिलना बंद हो गया है। आढ़तियों को जो कमीशन नहीं मिल रहा है उससे जो है मजदूर वर्ग के धंधे पे भी असर पड़ा है। जब आढ़तियों को कमीशन नहीं मिलेगा तो मजदूरों को मजदूरी भुगतान कैसे करेगा? तो इस सब मामले को देख के सभी सकते में है, लेकिन सरकार एक तरफ तो गौरव यात्राएं कर रही है, दूसरी तरफ मजदूर परेशान है,
किसान परेशान है और आढ़तिया परेशान है, जो कि व्यापारी होता है, एक व्यापारी भी आज परेशान है। और व्यापारियों को आज नौबत ये आ गई है कि उन्हें मंडियों के गेट पे तालाबंदी करके और धरने पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है जी। इसके लिए मुख्य रूप से क्या सरकार ही उत्तरदायी है? इसमें सरासर जब देखा जाए तो सरकार उत्तरदायी है, क्योंकि जो सिस्टम ये चल रहा था कि आढ़तियों को कमीशन दिया जाता है फसल बिक्री पे। आढ़तिया जो मेन दूरी होता है वहाँ पे जमींदार अपनी फसल लेके आता है मंडी में, उस फसल को जैसे मजदूरों के द्वारा उठाया जाता है, मजदूर उस फसल में जो मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद किसान को डायरेक्ट जब खरीदनी शुरू हो गई, फसलें डायरेक्ट बिकनी शुरू हो गई, ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन बिक्री का सारा भुगतान किसान के खाते में आ रहा है, तो मान लो किसानों को तो परेशानी हो ही रही है कि उनको रजिस्ट्रेशन है और खाते में भुगतान नहीं आ रहा है, गैरेज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, भुगतान नहीं आया। उन परेशानियों से जूझते हुए किसान के बाद अब मामला आ जाता है आढ़तिया के पास। अब आढ़तिया है जो आढ़तिया के थ्रू जो फसल बिकी गवर्नमेंट की, किसान की गवर्नमेंट को फसल बिकी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आढ़ती को किसी भी तरह का कमीशन नहीं दिया जा रहा है। आढ़ती को कमीशन नहीं मिलने से आढ़ती के जो मजदूर है वो नाराज होते हैं, और आढ़ती के जो मजदूर है उनको मजदूरी नहीं दे पाता। आढ़तिया इस मामले में सरासर परेशान रहता है। इस पूरे मामले में सरकार क्या सफाई दे रही है सत्ताम जी? सरकार इस मामले में सफाई देते नहीं बन रही है, इसमें कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है जी। तो अगर कोई भी अधिकारी इसमें बचता नजर आ रहा है तो हड़ताल के बाद में निश्चित रूप से अब वहाँ पे पूरे प्रशासन में खलबली मच चुकी होगी कि भूख हड़ताल का क्या निर्णय निकलेगा, या आम जनता किस हद तक क्रुद्ध हो सकती है, किसान किस हद तक क्रुद्ध हो सकते हैं? आम जनता आक्रोशित है, किसान जगह जगह धरने पे है, व्यापारी धरने पे है, मजदूर धरने पे है जी। मामला यही नहीं आ सकता, मामला देखिए मजदूर धरने पे चला गया, किसान धरने पे चला गया, व्यापारी भी धरने पे चला गया, लेकिन राजस्थान सरकार जो है इसके अभी कोई जो नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार जो है अपनी गौरव यात्राएं करने में व्यस्त है, इसे किसान का, व्यापारी का, मजदूर का कोई ध्यान नहीं है जी। निश्चित रूप से ये माना जाए कि अन्नदाता को अन्नदाता कह देने से काफी नहीं होता, अन्नदाता के लिए कुछ न कुछ प्रयास भी अब सरकार को करने होंगे निश्चित रूप से, ये लाजमी है, नहीं तो अन्नदाता रुष्ट हो जाएगा तो काफी मुसीबतें सरकार की बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखा जाए तो आढ़तिया जो है किसान से जुड़ा हुआ है, किसान आढ़तिया से जुड़ा हुआ है, आढ़तिया के बगैर किसान का काम चलाना बहुत मुश्किल है जी। तो सबके हितों को साथ में लेके चलने की बात है। सतनाम जी आप जुड़े और हमें ये सारी जानकारी दी, धन्यवाद आपका। इस खबर में हमारे साथ जुड़े थे सतनाम मांगत श्री गंगानगर से, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आढ़तियों को जब कमीशन नहीं मिल पा रहा है तो किसानों और आढ़तियों के बीच में काफी समस्याएं हो रही है और इसका समाधान निश्चित रूप से सरकार ही निकाल पाएगी। अगली खबर भी श्री गंगानगर से आ रही है, जहां राज्य सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए शुरू की गई भामाशाही स्वास्थ्य योजना पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आरोप है कि इस योजना की आड़ में जमकर चांदी कूटी जा रही है। आरोपों के घेरे में योजना से जुड़े निजी अस्पताल संचालकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लिया गया है। इस संबंध में श्री गंगानगर के एक पार्षद ने मुद्दा उठाया। पार्षद सलीम अली चौबदार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया गया कि सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है, जिसमें आर्थिक तौर पर कमजोर नागरिकों को निःशुल्क इलाज दिया जाता है, लेकिन इस योजना की आड़ में निजी अस्पताल संचालक और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सलीम ने यह भी बताया कि निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आने वाले भामाशाह से संबंधित मरीजों से अस्पताल संचालक पैसे वसूल रहे हैं, वहीं उन्हें फाइल को इसी योजना में लगाकर सरकारी खजाने से पैसा उठाया जा रहा है और इस काली कमाई में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी पूरा साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आम जन को मिल ही नहीं पा रहा है। उन्होंने अभी भी इलाज के लिए एक भारी भरकम रकम का खर्चा उन्हें उठाना पड़ रहा है, वहीं उन्हीं लोगों की फाइल पर अस्पताल संचालक पैसा उठा रहे हैं। सलीम अली ने यह भी बताया कि अगर इस मामले की सही तरीके से जांच हो जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में वे इसको लेकर एक आंदोलन भी कर सकते हैं। इस खबर की ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं सतनाम मांगत जी। सतनाम बताइए क्या मामला है पूरा? जी ये मामला जो है भामाशाह स्वास्थ्य योजना से जुड़ा हुआ मामला है, जो गंगानगर में गरीब मजदूरों
से अस्पतालों में पैसे वसूले जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार भामाशाह स्वास्थ्य योजना शुरू कर रही है, लोगों के निःशुल्क उपचार के विज्ञापन अपने देखें तो हर जगह लगे हुए मिलते हैं। चारों तरफ अपने को प्रचार प्रसार ये मिलता है कि गरीबों का निःशुल्क उपचार हो रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य योजना में निःशुल्क इलाज जो है वो कमजोर वर्ग का होता है, ये बिल्कुल ही निश्चित बात है। लेकिन अपने इसको अगर देखें तो इसमें स्वास्थ्य विभाग की कारगुजारियों का भी उल्लेख किया गया है। इस मामले पे अब सलीम अली चौकदार जो राइट श्री गंगानगर में अभी एक पार्षद हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के व्याप्त से इस योजना पे मुद्दा उठाया है। तो उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि जो निजी अस्पताल संचालक हैं वो इस योजना का लाभ उठाते हुए चांदी कूट रहे हैं, क्योंकि इस योजना को शुरू करने का जो सरकार का मंसब था कि गरीब को सस्ता इलाज मिले, गरीब को इलाज मिले, महंगा इलाज जो नहीं करवा सकते उन्हें उनके लिए विशेष योजना इलाज हो जी। लेकिन इसमें लोगों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की वजह से कैसे भी मान ले निजी चिकित्सालय जो है उनके संचालकों द्वारा एक चांदी कूटने का जरिया इख्तियार किया गया और इसमें मरीजों से पैसा वसूला जाता है, फिर उन मजदूरों का इलाज का जो पैसा आता है उसमें भी भ्रष्टाचार किया जाता है। देखने में ये आता है कि योजना जो थी वो निःशुल्क उपचार की थी, लेकिन उसे निजी अस्पतालों को दे दिया, निजी अस्पतालों में उन पे उपचार होता है, उससे पैसे वसूले जाते हैं और गवर्नमेंट से भी उसका वसूली किया जाता है। अब दोनों तरफ से भ्रष्टाचार करते हुए मार किस पे आ जाती है, वो गरीब मरीज पे आ जाती है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये सरासर आरोप ये लग रहे हैं कि अधिकारियों की मिली भगत की वजह से ही सरकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार को इसकी ओर ध्यान देने की कोई फुर्सत ही नहीं है। जी सतनाम जी, तो क्या इस संबंध में भी किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है ज्ञापन लेने के बाद भी? इस मामले में जब ये पार्षद और काफी संख्या में मरीज कलेक्टर साहब के पास पहुंचे ज्ञापन देने के लिए, तो कलेक्टर साहब ने हर केस में जांच करवाएंगे, अभी जांच करवाने का आश्वासन दिया गया है और पार्षदों ने ज्ञापन कलेक्टर साहब को तक सौंप दिया है। अब देखने में यह है कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। जी बिल्कुल सर, हम देखने वाली बात यह है कि क्या ज्ञापन देने के बाद में ये ज्ञापन भी ठंडे बस्ते में चला जाता है या सरकार इस संदर्भ में कोई ना कोई ठोस कदम उठाती है। धन्यवाद सताम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर आ रही है रिया बड़ी उपखंड क्षेत्र के आलनियावास कस्बे से, जहां कस्बे की महिला के साथ षड्यंत्र पूर्वक अश्लील क्लिप बनाकर पिछले कई वर्षों से ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया जा रहा था। मामले को लेकर बुधवार को रिया बड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला की मेडिकल जांच करवाई गई। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हुए 11 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। घटना को लेकर महिला का पूरा परिवार सदमे में है। मामले की जांच कर रहे डेगाना पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है और अलग अलग पुलिस दल बनाकर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में यह पहला मामला है इस तरह का जब किसी महिला को युवकों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ब्लैकमेल कर अपना शिकार बनाया। यौन शोषण करने के साथ ही महिला से रुपए भी ऐंठे और आरोपियों ने फर्जी आईडी के जरिए महिला की अश्लील क्लिपिंग बेचकर पैसे कमाने का जरिए जैसा कारनामे को भी अंजाम दिया। अश्लील क्लिपिंग मुंबई में बेचने का जिक्र किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपियों के तार मुंबई से भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके से और भी कई महिलाओं को इन लोगों ने शिकार बनाया होगा और ब्लैकमेल कांड में और भी कई युवकों के नाम जुड़े होने की संभावना है। ये तो पुलिस की जांच के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरी सख्ती से जांच करने की बात कह रही है और ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी हद तक रोष व्याप्त है। वैष्णव आलियावास की रहने वाली हूँ, मेरी उम्र 36 वर्ष है। मेरे साथ जो भी हुआ बहुत ही अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से पैसे ऐंठे गए। जो इंसाफ अली नाम का आदमी है यहाँ लालनिवास का रहने वाला है, वो उसने मेरे साथ मेरे घर के अंदर घुस के मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उसकी उसने फोटोज़ क्लिक की, मतलब चाकू की नोक पे मुझे खड़ा करके पत्नी जैसा व्यवहार करके रहने को बोला और मेरे से फ़ोटो क्लिक करके उसने काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह पे भी डाली और पहले धमकियाँ आई थी, मुझे बुलाया गया था, बार बार बुला के वो मेरे को हर बार ऐसी पैसे मांगा करता था, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह लेके दिखा दिखा के उसने धमकियाँ दे दे के मेरे से पैसे ऐंठे। जब भी हुआ मेरे से 2-2.5 लाख रुपए के आसपास उसने ले लिए और मेरे जेवर भी लिए गए। बीच में बीगो आईडी जैसी एक एप्लीकेशन है उसमें भी मुझे
डाला गया, वहाँ भी उसने कहा कि वहाँ से भी पैसे कमा के मेरे को देना है। और उसने सोशल मीडिया एफबी पे फेसबुक पर भी ऐसी आईडी वगैरह फर्जी आईडी मेरे फ़ोटो लगा के बना के सभी मेरे जो समाज के हैं या मेरे जो रिश्तेदार हैं सबके पास उसने फ़ोटो सेंड की और धमकियां दी बार बार पैसों के लिए। अब जब मैं पैसे देने में नाकामयाब रही या उसको पैसे ना मिले उस वजह से उसने मुझे सोशल मीडिया पर भी बदनाम कर दिया और मैंने FIR भी दर्ज करवाई है और मुझे न्याय चाहिए, उस आदमी से छुटकारा चाहिए। आज भी मेरे परिवार को उससे खतरा है। इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रिया बड़ी से जुड़ चुके हैं प्रेम सिंह शेखावत। प्रेम जी, क्या कहना है इस खबर के बारे में, क्या मामला है ये पूरा? जी निर्मला, इस घटना को लेकर पुलिस थाना थावला में रिपोर्ट दर्ज हुई, 11 दिन हो गए लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और न ही अन्य अभियुक्त से कोई पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया गया जी। और कल थावड़ा पुलिस ने पीड़ित महिला के नाम समन जारी किया था और आज 164 के बयान है जो कलमबद्ध बयान है मेहता कोर्ट में, आज उस महिला के बयान लिए जाएंगे जी। और पुलिस के आला अधिकारी मामले को लेकर गंभीरता की बात तो कह रहे हैं लेकिन 11 दिन हो गए अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो इससे लग रहा है कि पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी ओर घटना को लेकर ग्रामवासियों में भी भारी रोष है लेकिन ग्रामवासियों का ये सोचना है कि पुलिस जांच पे विश्वास कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पुलिस में जांच में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न हो इसलिए वो भी अपनी ओर से पूरा सहयोग कर रहे हैं लेकिन फिलहाल गांव वाले और पुलिस प्रशासन को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ महिला पीड़ित महिला जिसकी तरफ से महिला आयोग को भी शिकायत भेजी गई है, महिला आयोग को भी इस मामले को लेकर अवगत करवा दिया गया है जी। इसमें इस पूरे मसले में पुलिस जांच तो चल ही रही है, क्या कोई महिला संगठन का कोई सामाजिक संगठन सामने आए हैं महिला की मदद करने के लिए? हाँ, सामाजिक संगठनों ने भी मदद के लिए कहा है महिला को लेकिन वो फिलहाल महिला के परिवार और उन लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस की इस तरीके से जांच कर रही है उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई की जाएगी। क्या इस मामले में भी पुलिस हमेशा की तरह सिर्फ बयान दे रही है कि वो सख्ती से जांच कर रही है या वास्तव में उसके द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आपको लगता है कि हाँ सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो फिलहाल जो पुलिस की जो कार्रवाई है अभी तक तो वो कह रहे हैं लेकिन कार्रवाई तो कोई गंभीरता से हुई नहीं, अभी किसी भी आरोपी से या इस घटना से संबंधित किसी भी अपराधी से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई है, ना ही गिरफ्तारी हुई है और ना किसी भी तरह की पूछताछ आरोपियों से हुई है। क्या पुलिस के दायरे में कोई अपराधी आए हैं? नहीं नहीं, पुलिस ने फिलहाल अभी तक इस मामले पे किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं बताई है, ना गिरफ्तारी बताई है और ना ही पूछताछ पुलिस ने की है जी। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में पुलिस का जो काम करने का तरीका है इस केस के बारे में वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ ही रहा है, क्योंकि जब इतना गंभीर मामला है, महिला को ब्लैकमेल किया गया, उसका शोषण किया गया और इसकी क्लिप बनाकर बेची भी गई, तो निसंदेह रूप से एक छोटे से गांव में अगर इस तरह की कस्बे में अगर इस तरह की घटना होती है तो वो निंदनीय तो है ही और पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं अगर पुलिस इस मामले में किसी भी तरह का गंभीर एक्शन नहीं लेती है तो। बिल्कुल सही है जी। प्रेम, हमारे साथ जुड़ने और हमें ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हमें अपडेट देते रहेंगे। अगली खबर देवसूरी से है जहां बाबा रामदेव संस्था चामुंडेरी राणा वदन द्वारा चामुंडेरी कस्बे के समीप हर वर्ष की भांति 14वें राम रसोड़े का भव्य शुभारंभ हुआ। रामदेवराज पैदल जाने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय, नाश्ता और ठहरने की व्यवस्था इस राम रसोड़े में करवाई गई है। इस अवसर पर श्री 1008 श्री पूरनपुरी जी मांडवा और चामुंडेरी सरपंच और कांग्रेस नेता और प्रदेश सचिव जसवंत राज मेवाड़ा के कर कमलों से उद्घाटन हुआ। राम रसोड़े के भव्य उद्घाटन में रामदेव संस्था चामुंडेरी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित कई सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। रामदेवरा संस्था के संचालक 14वें राम रसोड़े को संबोधित करते हुए मेवाड़े ने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा किया जाने वाला ये कार्य पुण्य का कार्य है। भादवा माह से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की सेवा, राम रसोड़े के माध्यम से की जाने वाली सेवा भी इसी तरह का पुण्य है। इसी दौरान रामदेव संस्था के अध्यक्ष छगनलाल सुधार, उपाध्यक्ष मोतीलाल कुंभार, संगठन मंत्री नाथूलाल परिहार, सलाहकार मंत्री रामलाल, सचिव मदनलाल कुंभार, व्यवस्थापक छगनलाल कुंभार, संस्था के मंत्री भागीरथ परिहार और सम्माननीय ग्रामीण सदस्य ने हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाए। चौधरी पीजी महाविद्यालय तारानगर से छात्र संघ चुनाव पूरा पैनल, हनुमान बेनीवाल टीम निर्दलीय निर्विरोध
विजयी घोषित हो चुकी है। रोहित कुमावत इसमें निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष बने। तारानगर के किसान नेता हरि सिंह बेनीवाल के सानिध्य में चौधरी महाविद्यालय में सभा कर बस स्टैंड मुख्य बाजार से होते हुए डीजे के साथ जुलूस निकाला गया। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित कुमावत ने किसान नेता हरि सिंह बेनीवाल से आशीर्वाद लेकर उनको धन्यवाद दिया और सदैव साथ रहने की कामना की। हरि सिंह बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए जमकर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि युवाओं को 15 लाख नौकरी देने के नाम पे वोटों की ठगी की गई है। अब युवा जागरूक और स्वाभिमानी हो चुके हैं। आने वाले चुनाव में इस सरकार को वो कभी माफ नहीं करेंगे। रानीवाड़ा से करीब 200 से अधिक पैदल यात्रियों का जत्था रामदेवरा दर्शन के लिए रवाना हुआ और इस पैदल संघ को मोहल्ले वासियों ने ढोल धमाकों के साथ माला पहनाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित गौरव यात्रा को लेकर स्वरूपगंज कस्बे में आगामी 30 अगस्त को आम सभा को लेकर करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौलिया ने सभा स्थल का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान टीएसपी संघर्ष समिति के युवाओं ने पिंडवाड़ा तहसील के वंचित गांवों को टीएसपी में शामिल करने की मांग रखते हुए नारेबाजी की। उसके बाद विधायक समाराम ग्रासिया ने उनको समझाकर आश्वासन दिया। झालावाड़ बकाने में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स की C-83 बटालियन के 60 से अधिक जवानों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। सहायक कमांडर सुनील खींची ने रैपिड एक्शन फोर्स के परिचय अभ्यास के आयोजन में बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान कस्बे की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और बलवाइयों की सूची की, जिसकी भविष्य में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव और दंगा होने की स्थिति में अधिक कारगर ढंग से नियंत्रित किया जा सके। दल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों और समाजसेवी संगठनों की भी जानकारी ली गई और बटालियन के द्रुत कार्य बल द्वारा क्षेत्र का चित्र भी बनाया गया। मानचित्र का उद्देश्य अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर नियंत्रण और नियंत्रण पर तुरंत पहुंचना है। फोर्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाएगा और यह द्रुत कार्य बल द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक अभ्यास है जो नियमित अंतराल पर किया जाता है। इस दौरान फोर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश और समाज में अशांति पैदा करने वाले कारणों का गहन अध्ययन कर डेट कलेक्ट किए जाएंगे, जिससे विषम परिस्थितियों में द्रुत कार्यबल द्वारा शांति व्यवस्था बनाने में त्वरित मदद की जा सके। मांडल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बागोर में रामदेव सेवा समिति द्वारा बाबा रामदेव के पैदल जाने वाले यात्रियों और भक्तों के लिए राम रसोड़ा का शुभारंभ किया गया। राम रसोड़े के जन लोकप्रिय मांडल के विधायक और राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। बाबा के भक्तों के लिए राम रसोड़े से विशेष सेवा की जाएगी, जिसमें भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, चिकित्सा और पानी सहित कई सुविधाएं भक्तों को मुहैया करवाई जा रही है। इसके शुभारंभ के अवसर पर जिला परिषद सदस्य रामेश्वर लाल जाट, भाजपा मंडल बागोर के मंडल अध्यक्ष बाबूलाल आचार्य, बालू राम देवपुरा, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप ट्रेलर, तुलसीराम जीनगर, मदन लोहार, बाबू खान, सत्यनारायण जाट, राजकुमार जीनगर, मुकेश माली, जितेंद्र माली और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और भक्तजन उपस्थित रहे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।